हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर 5 विदुर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपने बाल महाभारत कथा में शांतनु के बारे में पढ़ा, देवव्रत के बारे में, पूरी महाभारत को संक्षेप में भी पढ़ा, अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ा, भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे विदुर के बारे में। विदुर कौन थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। आपने शांतनु के बारे में पढ़ा था। शांतनु की दो रानियां थी। उनका विवाह गंगा से भी हुआ था और सत्यवती से भी। गंगा से जो पुत्र हुआ वो थे देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए, और सत्यवती से दो पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की अकाल मृत्यु हो गई थी और विचित्रवीर्य की भी दो रानियां थी। आपने अम्बा के बारे में भी सुना था। अंबिका और अंबालिका जो थी वो तीनों ही काशीराज की पुत्रियां थी, और विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से तो विवाह किया था, लेकिन अम्बा से विवाह करने से उसने इनकार कर दिया था। बाद में अंबिका से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम था धृतराष्ट्र, और जो अंबालिका से पुत्र हुए थे उनका नाम था पांडु। और जो विदुर थे वो कौन थे? विचित्रवीर्य की जो रानी अंबालिका थी उनकी जो दासी थी उनकी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए थे। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वे बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। वो इतने शांत स्वभाव के थे कि उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता था, और धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान बहुत ही अथाह था। उनका ज्ञान का भंडार बहुत ही विस्तृत था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ जाएगी, इसलिए इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। धृतराष्ट्र को भी विदुर की बात समझ में आ गई थी, क्योंकि विदुर जो थे ना वो दूरदृष्टि थे, वो दूर तक की बात सोचते थे, और उन्होंने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि अगर पांडवों और कौरवों के बीच में जुआ खेलने का खेल शुरू हुआ तो दोनों ही पक्षों में वैरभाव बढ़ जाएगा, दुश्मनी बढ़ जाएगी। इसीलिए धृतराष्ट्र को भी विदुर की बात बहुत अच्छी लगी थी, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को बुलाया था और उसे इस खेल को, इस जुए के खेल को खेलने से मना कर दिया था। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य का नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत ही प्यार से समझाया। धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने अपने बेटे को समझाया, गांधारी के लाल, तुम्हें विदुर की बात जरूर माननी चाहिए, क्योंकि विदुर बहुत ही बुद्धिमान है और वो हमेशा उनका भला ही चाहते हैं। इसलिए बेटे, जुए खेलने के विचार को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, और विदुर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर तुम जुआ खेलोगे तो उसमें दोनों ही पक्षों में विरोध बढ़ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो राज्य के नाश का कारण बन जाए, इसलिए उसे ये विचार छोड़ देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ने माना। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से समझाया कि उसे सही राह चुननी चाहिए, लेकिन दुर्योधन इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ, उसने इस बात को बिल्कुल नहीं माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा।
धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं ये सब मानता हूँ, पर काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया था और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को। जब दुर्योधन ने ये बात नहीं मानी तो विदुर पांडुपुत्र युधिष्ठिर के पास गए और उन्हें भी उन्होंने ठीक वैसा ही कहा और कहा कि जुआ खेलने मत जाएं। युधिष्ठिर ने विदुर की सारी बात ध्यान से सुनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि जब उनके काका बुलाएं और खेल या युद्ध के लिए किसी भी क्षत्रिय को बुलाया जाता है तो अगर वो नहीं जाते हैं तो ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। और यह कहकर युधिष्ठिर ने भी क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने की तैयारी कर ली थी, वो भी जुआ खेलने के लिए चले गए थे। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय।